प्लीज वेलकम हमारी नेक्स्ट सदस्य जासमीन बसी। तो मैम बेस पसंद है, बेबी नू बेस पसंद है। यार कपड़े धोना इतना मुश्किल कैसे हो गया, पट्टा भी नहीं है बैठने के लिए, कमर में दर्द हो गया और धुले भी नहीं सब में इतना डिटर्जेंट। मैं चुपचाप दीदी जो बोलेगी सुन लूंगी। वेरी गुड सर। नहीं तुम टाइम वेस्ट करो आज मेरे को देखने का ही। चलो करो करे करे फिर बोले। सर ऐसा है कि ये बहुत मौका परस्त लड़की है, ये सडनली बच्ची हो जाती है, गुड्डे के साथ खेलने लगती हैं और एकदम बच्ची क्यूट और आओ बहन बात करें, अच्छा मैं आपका दुख बांट लेती हूँ, और फिर सडनली अगर बांट लिया इनको कोई बुलाता नहीं है लेकिन ये खुद जाती हैं। मैडम जी हमको स्विमिंग नहीं आता पर हम भी जाने को तैयार है पुलवा में, अगर ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आया, ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आया, हमको तैरना तो आता नहीं, हम डूबने के लिए तैयार है। गर्मी है ए राहुल, ए काटी है इसके, इसने मेरे को अभी काटा। कैसे छोड़ दूंगी तू खान, तो मैं भी फंसी। दे दे हमारे पास ही है। खींचता मुझसे, मुझे मुझसे खींचता, मैं भी खींचती, जितनी जाने उतनी लगाती, पर मुझे धमकी क्या देता है। ओ धमकी बिल्कुल नहीं दी है, धमकी बिल्कुल नहीं दी है, आपसे तीन बार पूछा गया था, तूने मुझे आपसे तीन बार धमकी दी थी। क्या तूने क्या धमकी, हाउ डेयर यू। वो अपने शब्दों का खेल मुझ पे मत चलाया करो, बुरा बनाना है शब्दों के उससे वो सब आप खेलती हो। विल यू स्टॉप दिस, आप उसको बाहर आने दो, अब हम डिसाइड करेंगे कब बाहर आएगी। तुमने मना किया कि तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा अगर तुमको इस बात का बदला नहीं दिया तो उसको नहीं निकाल रही हो। इनफ यू हैड ऑल राइट इनफ इन यू सेड योरसेल्फ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं। लड़की के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ओ प्लीज, मैं उस दोस्त को नहीं बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर सकती जो मुझे पता है यहाँ कभी आना ही नहीं चाहता था, जो मुझे ऐसा देख के नहीं रह पाया और सब छोड़ के मेरे लिए आ गया। आई एम सॉरी बट मैं अपना अधिकार यूज करके आपको ना बचा के अली को बचाऊंगी। तीन दिन मैं नहीं, मैं जैस्मिन दिस इज नॉट, नो नो आई कांट, चिल्ला मत मुझे भी आ गई, फालतू बातें मत कर, तू फालतू बातें कर रही है, मैं ये शो करने नहीं, तू करने आई थी, तू जीतने आई थी ना, तू क्यों बकवास करती थी भाव में जीतना जीतना, फिर ये मेरे वजह से तू कमजोर पड़ रही है। क्यों ऐसे रोई हैं? तुझे पता यार मेरे लिए नहीं है ये दुनिया। हाँ सब ठीक होगा, अब सब अब तो सब माइंड ब्लोइंग होगा। आहे गले में डाल के ब्रश करना बंद कर, बरसात हो ना हो। रोज 8 से 10 रिजेक्शंस लेके घर आना, बार बार उन रिजेक्शंस ने एक टाइम पे मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। मैं हार मान गई थी कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि अगर कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ तो फिर जी के क्या करूँगी। आई ट्राइड एंडिंग माई लाइफ बाय बहुत सारी अलग अलग रैंडम दवाइयाँ इकट्ठे करके उनकी ओवरडोज विद के साथ लेके, पर नसीब से मैं बच गई। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि जब तक ये सांस चल रही है तब तक हर डिफिकल्टी को ओवरकम किया जा सकता है, फाइट किया जा सकता है, ऐसे कायरों की तरह हार नहीं माननी चाहिए।